उमेश पाल हत्याकांड के अंदर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की लगातार तलाश चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन को छिपाने और उसकी मदद करने में सबसे बड़ा मददगार कौन है। मुंडी पासी एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंडी पासी है कौन। दरअसल जिस वक्त महापौर के लिए बसपा की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर शाइस्ता परवीन ने पर्चा भरा था और उस वक्त नाम सामने आया था उम्मीदवार के तौर पर, तब मुंडी पासी ही वो शख्स थी जिसने लगातार शाइस्ता परवीन के साथ घूमकर प्रचार किया था और पूरी तरीके से लॉबिंग कर रही थी। मुंडी पासी वो शख्स है जिसके ऊपर रंगदारी, वसूली, हत्या जैसे कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिन अपराधों में इसका नाम प्रमुखता से सामने आया। मुंडी पासी एक ऐसी लेडी डॉन है जो हमेशा से अतीक अहमद और करीबियों के काम आती रही। इसके अलावा कई दूसरे शूटर्स से भी इसके लगातार रिश्ते देखे गए हैं, या फिर अब मैं बात करूँ छोटा राजन का एक बहुत करीबी शूटर हुआ करता था पासी, उस शूटर पासी से भी इसके रिश्ते रहे हैं। तो ऐसे में मुंडी पासी और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, इन दोनों के नाम निकलकर सामने आए हैं जिनकी तलाश यूपीएसटीएफ को है। यूपीएसटीएफ शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए लगातार प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर इस वक्त डेरा डाले हुए है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के बारे में कहा जा रहा है कि उसे भगाने में, उसे छिपाने में मुंडी पासी ने एक बहुत बड़ी मदद की है। यानी कि अब तक जो यूपीएसटीएफ को एक लेडी डॉन की तलाश थी, वह अब दो लेडी डॉन पर आ गई है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के साथ साथ मुंडी पासी भी फरार है। और एक अगर एक भी हत्या चढ़ता है तो दूसरे का हत्या चढ़ना लगभग लगभग तय होगा। ऐसे में इन दोनों की तलाश यूपीएसटीएफ को है। इन दोनों के बारे में आपको कोई भी जानकारी हो तो आप डायरेक्ट पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर इसके बारे में आप कुछ भी मुझसे साझा करना चाहते हैं बात, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।